नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, उपावप्पणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं अपने हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे में देखो, यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मदद रूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, मेरे गुरु सबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन गाया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में करूँ, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं की और अन्य सभी लोगों के जी और मैं अपने शुद्ध नैतिक और विश्वसनीय बना रहूं, ताकि मैं बराबर दाता भगवान के जैसी मैन और पर्सनालिटी वाणी बन सकूं। हे दादा भगवान, आगे मैं अपने माता पिता की हमेशा बात सुनने का संपर्क लेता हूँ और उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, स्वप्न स्टडी प्रेयर। हाँ जय सच। हे दादा भगवान, पढ़ने में समझने में जो बाधाएं अंतर आते, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरे ऊपर के दर्शन रूपी आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप मुझे ऐसी परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके हिताक्षी बा। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। किसको मालूम है आपका होमवर्क क्या था? तीर्थ आरुष, हम कब रिवर्स गए थे? हाँ, कब हम रिवर्स गए थे? रिवर्स, द्वेष हुआ बाद में रिवर्स हुआ। ओके बोलो, आपको द्वेष हुआ था सर? महेंद्रानंद जी, अभी ये चलता है स्टडीज में जो द्वेष आता है वो रिवर्सल करने का। आरुष, जो स्टडी में द्वेष आता है ना महेंद्रानंद जी, उसका रिवर्सल कैसे करने का, करते है कि नहीं वो जरा देखेंगे हम। बोलो आरुष, द्वेष का मतलब अच्छा नहीं लगता है वो? मुझे आज स्टडी में द्वेष नहीं हुआ था। ओके रीता दीदी, जय सच्चिदानंद, मुझे भी आज स्टडी में द्वेष नहीं हुआ था। मोटी बहन, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे स्टडी में द्वेष नहीं हुआ। ओके okay, जिसको द्वेष हुआ वो हाथ ऊंचा करो इलेक्ट्रॉनिक। और ओके मोनिका, दरअसल
हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे आज स्टडी में द्वेष तब हुआ था जब मम्मी ने कहा कि अभी लोन करने बैठ जाता तो मैंने मुझे लगा कि मैंने कहा कि मुझे मैं थोड़ी देर बाद बैठूंगा तो मम्मी ने कहा अभी बैठ जा, फिर बाद में तेरा मन नहीं होगा इसलिए फिर तब भी द्वेष हो गया। तो क्या करते आप, तो क्या करने का था? फिर मैंने जब मैं पढ़ाई करने बैठा और जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तब मैंने दादा भगवान से प्रार्थना की कि मैं नहीं, नहीं हम पहुंचे, आपको क्यों नहीं करने का था, क्या करने का था आपको? मैं तभी थोड़ी देर टीवी देख रहा था। टीवी तो मना है देखने का। हाँ पर आज मैंने 15 मिनट्स देख ली थी। क्यों? हैप्पी बर्थडे? नहीं। फिर मन हो गया था। दूसरा को है ओके, सबको किसी को द्वेष नहीं हुआ था ओके। दीपक दादा यस क्विक, देखो दर्शन बेटे अपने मन को कमजोर करना है कि स्ट्रांग बनाना है? स्ट्रांग बनाना है। तो उसका सुनना नहीं है, हमने एक बार कह दिया तो कह दिया कि वेकेशन में टीवी देखना है, और अगर मन कमजोर हो गया तो आप बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। उसका मतलब क्या है, फिर मन जो भी कुछ कहेगा आप उसको फॉलो करेंगे, फिर आप सोचो आपका क्या होगा। समझ में आता है? तो अभी बोला है कि टीवी अभी वेकेशन में ही देखना है, अभी नहीं देखना है। समझ गए? वेकेशन में 24 घंटे देखना, लेकिन अभी एक 15 मिनट भी आपके लिए जोखिम है। क्यों? क्योंकि मतलब दो मन के नौकर बन जाएंगे। क्या है? नौकर बन जाएंगे। और तो और आपने निश्चय किया है ना, हमारा अस्तित्व है ना, हम निश्चय के कारण है और हम ही हमारे निश्चय के विरुद्ध जाते हैं, तो वो हमारा बहुत नुकसान करता है। निश्चय हमारा अस्तित्व है। दीपक दादा उसको तो नुकसान ही मांगता है, बहुत मस्ती करता है, ध्यान नहीं देते है वो। हाँ इसीलिए तो अभी हमें समझना है ना, अभी ध्यान नहीं देगा तो फिर देखो धीमे धीमे आप कुछ और सुनेंगे और देखेंगे, फिर अभी सत्संग में क्यों जाना है, वो सत्संग भी बंद हो जाएगा आपका। आप समझ गए? मन को क्या बताया है पता है? मन को बंदर जैसा बताया है। बंदर कैसा उल्टा सीधा जंप मारता है ना, कभी भी पलटी मारता है। पलटी मारने का मतलब एक ट्री से दूसरे ट्री पर जाना। अरे उसको वो तो नहीं, पलटी का मतलब अभी हाँ कहता है अभी ना बोलेगा। हाँ तो अभी हमें वो बंदर को सुनना नहीं है। हाँ हमारे हमारे निश्चय को फॉलो करना है। हाँ समझ गए? हाँ वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और हमने वो 3-4 स्लाइड भेजी थी, उसमें क्या लिखा है किसको मालूम है, किसने देखा? किसने नहीं देखा? ओके ओके, तो वो देखने का और कल उसमें क्वेश्चन होगा, तो क्या उसमें लिखा होगा छोटी बहन, क्या लिखा है उसमें? उसमें ये मुझे पता तो नहीं कि वो राइट है या रॉन्ग, लेकिन मुझे ये पता चला कि हम जो बनना चाहते हैं या हम जो सोचते हैं कि हमें ये बनना है, पहले हमें उसी तरह से जीना चाहिए कि हम फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर बनना है तो हमें उसी तरह से जीना चाहिए कि मैं डॉक्टर ही हूँ आई थिंक। ओके दीदी क्या आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? बिफोर यू कैन अनकम्प्लिश समथिंग यू मस्ट एक्सेप्ट इट फॉर योरसेल्फ। अकम्प्लिश
expect it of yourself. Of yourself. Okay, जरा ये ध्यान देना, कल पूछेगा क्योंकि expect it of yourself का क्या मीनिंग होता है. या मोटी बहन ने तो कुछ बता बोल दिया कि सबको मालूम हो. Before you can accomplish something, you must expect it of yourself. लिखा है. हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं आप? या उसका मतलब क्या होता है, देखो बेचे मुझे डॉक्टर बनना है तो जैसे मैं डॉक्टर बन चुका हूँ इस तरह से मुझे रहना है, तो मैं कैसे रहूंगा, उसका मतलब. ओके, कल आपको क्या करने का है स्टडीज में वो बताना, कल वो होमवर्क है. और द्वेष भी एग्जाम है तो कंटिन्यू करेगा द्वेष द्वेष देखने का स्टडीज में और फूड में, और ऐड करेगा आज फूड स्टडीज और फूड उसमें द्वेष, क्योंकि फूड इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके. ओके, सबको मालूम पड़ गया? ठीक, आप सुनते हैं? एक बार और रिपीट कर दो एक बार. क्या है होमवर्क, क्या है फिर? He is always absent minded. Deepak Dada. Hari, kya homework kya diya? Kaun bolta hai ye? Hari ko bhi malum nahi. To kya moti ben? Kya homework hai? Food or studies mein hame dvesh kahan hota hai aur हमें क्या बनना है और क्या करना है वो. वेरी गुड. ओके, वो ये बोला ना बिफोर यू कैन अकम्प्लिश वो जरा करने का. ओके, अभी महेंद्र आप बाद में क्वेश्चन लेके बाद में उन लोग को बताना कि द्वेष आता है तो उसका फायदा गैर फायदा क्या होता है. स्वप्निल, मुझे क्वेश्चन था. आप बोलो क्वेश्चन बोलो. हाँ जैसे मुझे यह क्वेश्चन था कि जब भी मैं सत्संग के पहले जब 5 मिनट बचती है ना तभी मम्मी कहती है सत्संग में बैठ जा, तो नहीं मम्मी आज नहीं बैठना है, तो फिर मेरे को मन नहीं होता. जब मैं अपने रूम में आता हूँ ना फोन ऑन करता हूँ तभी मन आ जाता है, मगर पहले नहीं होता है. जब मैं सत्संग में आता हूँ तब भी आता है मन. फिर क्या होता है? फिर मेरे को रोज ऐसा ही होता है. तो ये मन क्यों ऐसा बताता है, पहले क्यों नहीं बताता है? अच्छा, पहले पता नहीं है कैसा होने वाला है, हमें पहले नक्की कर ही देने का, अभी मुझे सत्संग में बैठना ही है, फिर वो मन बता देगा बंद हो जाएगा. अपन नक्की नहीं करते, अपन नक्की क्या करते, आज टीवी देखना है, आज ये देखना है, आज वो करना है. हम पहले से ही नक्की कर ले रहे हैं कि ये दर्शन के टाइम में हमें सत्संग के टाइम में हम सत्संग में ही बैठना है, ऐसा नक्की हो गया तो उस वक्त मन ऐसा कुछ बताएगा नहीं. समझ में आता है तेरे को? यस. क्या लगता है, मन को पहले से ही नक्की कर देने के मेरे को सत्संग में बैठना ही है? हाँ, ऐसा तो नक्की होएगा ना तो फिर ये बताएगा नहीं मन. हमारा नक्की क्या होता है, आज तो टीवी देखना है, आज तो एक मैच देखना है, ऐसा नक्की करके बैठते हैं. फिर मम्मी बोलेगी तो भी हम ना बोल देंगे. समझ में आया? बोलो दूसरा कोई है? हाँ, दर्शना. ओ, एक मिनट स्वप्निल, मालूम पड़ गया आपको? हाँ, पड़ गया. अभी से क्या आप नक्की करेंगे? अब से मैं नक्की कर लूंगा कि ये सत्संग में बैठना ही है. ओके, वेरी गुड. दर्शना, मुझे कोई क्वेश्चन तो नहीं था, बट मुझे ये बताना था, आज मेरा हिस्ट्री का टेस्ट था तो उसमें से मुझे 20 में से 18 आए थे.
ओके वेरी गुड। और मुझे भी एक बोलना था कि आज मेरे साइंस के टेस्ट में मुझे 16 आउट ऑफ 20 आए थे। ओके तो अरे 20 आउट ऑफ 16 बोलते हैं। हाँ सॉरी 20 आउट ऑफ 16 नहीं नहीं 16 आउट ऑफ 20 बराबर। बाकी के और कहाँ चले गए? अरे वो मेरी क्वेश्चन और आंसर में बाकी के फोर कहाँ चले गए? अरे वो क्वेश्चन आंसर में दे दे दो क्वेश्चन आंसर थे उनमें मेरी फोर्स की स्पेलिंग गलत हो गई थी और दो क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो आपने तैयार नहीं किया था गलत नहीं, किया था पढ़ा नहीं था पढ़ा था तो फिर कैसे गलत हो गया? तो उसमें ध्यान नहीं था तुम्हारा? नहीं ध्यान था मेरे वो दो क्वेश्चन नहीं आए थे मुझे और स्पेलिंग गलत हो गई थी। अभी पक्का कर लेना पूरा बराबर। हाँ महेंद्र दादा मस्ती मस्ती बहुत करना उसका पसंद पड़ता है इसलिए भूल जाता है। नहीं मैं हर रोज दो घंटे पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते वक्त मस्ती नहीं करने का बाकी मस्ती करो बराबर। मैं करता हूँ दो घंटे पढ़ाई। पढ़ाई जब करते हो तब मस्ती नहीं करने का तो उसमें सिंसियर रहने का पूरा पूरा दिल दिल लगा कर पढ़ने का। ओके समझ में आया? हाँ ओके अभी अपना गोल करने का 100 out of 100 मांगता है तीर। ओके जय सच्चिदानंद मुझे मेरा क्वेश्चन नहीं था पर मुझे कहना था कि ना कल वो चित्र स्पर्धा आती है उसमें मैंने भाग लिया तो आप मुझे ऐसी वस्तु दीजिए कि मैं चित्र वो ड्राइंग अच्छी करूं। उसमें तो ये सब तू प्रैक्टिस करता रहेगा ना तो सब अच्छा हो जाएगा उसमें प्रैक्टिस चाहिए तेरे को। हाँ मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती इसलिए। हाँ लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेगा अच्छा हो जाएगा उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़े जैसे तू क्रिकेट खेलने जाता है तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि नहीं? पड़ती है। तो ही अच्छा खेलेगा ना। हाँ तो इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस करेगा तो सब अच्छा हो जाएगा। ओके 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 महेंद्र दादा बिफोर पद के पहले आप थोड़ा बातें करो इन लोग के साथ कि जो द्वेष होता है तो उसका परिणाम क्या होता है किसी के बाबत में? द्वेष होता है तो पहले तो अपना मन बिगड़ जाता है तो मन बिगड़ जाएगा तो फिर किसी में भी हमको इंटरेस्ट नहीं रहेगा और अपनी मेहनत भी ज्यादा हो जाएगी उसका लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा समझ में आता है? दरअसल समझ में आता है तेरे को? हाँ मन बिगड़ जाता है कि नहीं? और बिगड़ा हुआ मन है और तू पढ़ेगा तो कितना याद रहेगा? तो फिर याद नहीं तो भूल जाएगा ना सब तो फिर हाँ। रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा नहीं आएगा तो अपना ही बिगड़ता है ना। हाँ। तो हमें तो जो भी संजोग आपने पढ़ने का संजोग है तो उसमें दिल लगा कर करने का है खेलने का संजोग है तो उसमें भी दिल लगा कर करने का है खेलने का है समझ में आया? तो जो जो भी संजोग आता है उसमें द्वेष करेंगे अच्छा है बराबर नहीं है मम्मी मुझे डांटती है ये सब ऐसा होएगा तो फिर क्या होएगा? तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा। मम्मी डांटती है तो तेरे अच्छे के लिए डांटती है कि तेरे बुराई के लिए डांटती है? अच्छे के लिए। हाँ तो समझना चाहिए कि नहीं अपने? हाँ। तो फिर ये रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट बराबर नहीं आएगा तो आगे भी तू पढ़ नहीं सकेगा तो फिर पूरी लाइफ बन जाएगी कि नहीं? तूने सारी लाइफ अच्छी बनानी है कि बिगाड़नी है? अच्छी बनानी है। हाँ तो फिर सिंसियर रहना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। तो कोई भी
कोई कुछ भी बोले उसका बुरा नहीं लगाने का, समझ लेना कि भी मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं, तो मैं जो बोलते हैं ऐसा करूं मैं। समझ में आया? हाँ। तो दादा दर्शन को तो सिंसियरिटी में बहुत काम करने का होता है। हाँ, वो सिंसियर नहीं होता है, पूरा सिंसियर रहने का, जो भी काम आया है उसमें सिंसियर रहने का। टीवी देखने में कितना सिंसियर रहता है? हाँ, टीवी देखने का आता है तो कितना सिंसियर रहता है? तो पढ़ने का आवे तो उसमें भी इतना ही सिंसियर रहना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, रहना पड़ेगा। तो पढ़ने का आया तो फिर टीवी का विषय नहीं आना चाहिए, विषय करने का ही नहीं है, ये टाइम पढ़ने का है, पूरा पढ़ लो बस। हाँ। बाद में देखूंगा दूसरा। हाँ। काम बाद में करूंगा, दूसरा कोई भी काम हो। हाँ। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अभी दरअसल अभी से सिंसियर बन जाओ। ओके, इसमें क्वेश्चन नहीं है तो मैं दादा मोनिका दीदी कप्पा दे आज पास में आके जोर से बोल रहा हूँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। आवरण माल नो सामायिक गहन जय सच्चिदानंद सुनी जागे कुंभकर्ण नमस्कार वितराग नमस्कार देवगति नमस्कार ब्रह्म सर्वभूति नमस्कार तीर्थ नमस्कार नारके नमस्कार सर्वदीप ज्ञानी एकड़ा विनाना मींदा सुकामना एक प्रगटमो कर्म देशना। जय सच्चिदानंद। आपने ये क्यों पसंद किया? मेरा फेवरेट पद है और इसमें हम सभी जीवों को नमस्कार करते हैं इसलिए। ओके, तो इसमें से क्या आपको पसंद पड़ा? उसमें सारे नमस्कार विधि सब कुछ आ जाते हैं इस पद में अगर गाते हैं। ओके, मैं दादा कुछ ऐड करना है क्या आपको? नहीं नहीं, आगे आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया है ये सब। पूरा नमस्कार करते हैं ना, तो हमने आगे जो जो भी अभिनय किया है, किसी का तिरस्कार किया है, किसी का झगड़ा किया है, वो सबको नमस्कार हो जाता है, तो सबका अभिनय हो जाता है, तो सब दुखों में सब मुक्त हो जाते हैं ये नमस्कार करने से। समझ में आया? हाँ। सभी दोषों में से मुक्त हो जाते हैं। ओके, दूसरा बुक से है मैदान दादा? हाँ बोलिए। अच्छा ओके, तो किसी का क्वेश्चन है तो मोनिका दीदी टाइम मिला तो जो कबीराज सिंग करते हैं ना उसके साथ सिंग करना, तो अच्छा ट्यून और सब आ जाएगा, सब बच्चे लोग जो तैयार करते हैं और कविराज की साथ गाने का तो वो चीज में बहुत अच्छा आ जाता है। ओके ओके, दीपिका जी आपको बोलने का है कुछ? किस देने बोलने दीपिका जी? मुझे बताया जी, बताने का है। ये दादा भगवान का जो स्वरूप प्रकट हुआ है, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनका सत्संग हम
सुनकर उनको फॉलो करते हैं, तो बोले वो बहुत घन है यानी बहुत गहरा है और हमें उनके जैसा बना देते हैं। तो इस तरह से सभी को नमस्कार करने से हमारी पहले की जो गलतियां हुई है वो सुधर जाती है और हमारा मार्ग खुल जाता है, व्यवहार भी उत्कृष्ट होता है हो जाता है और हमें भगवान और मुक्ति का मार्ग मिल जाता है इसीलिए। और द्वेष ऐसा है ना, द्वेष जिनका करते हैं तो उनसे हमारा बैर बनता है। तो बैर बनना यानी क्या है, जब हम कहते हैं कि चलो मुझे जाना है तो बोलते नहीं जाना है, मैं जाने नहीं दूंगा, मुझे ये करना है मैं करने नहीं दूंगा, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बाधा बन के आती है। बाधा समझते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्शन बन के आता है। इसीलिए दादा ने कहा कुछ भी करके द्वेष से छूटो, कुछ भी करके बैर से छूटो, बैर है तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, बैर वाले को छूटने नहीं देते लोग, और जिनके साथ बैर होता है वो कहीं ना कहीं आके हमारा गला पकड़ता है। तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। इसीलिए किसी के भी प्रति द्वेष होता है वो बैर का कारण बन जाता है, इसीलिए उसमें से हमें निकलना, तुरंत उसका प्रतिक्रमण करना है। इसीलिए जो बोलता है ना रिवर्स कर देने का, करेक्ट कर देने का, उसको कितना भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरे है कोई व्यक्ति के प्रति, कोई फ्रेंड के प्रति, कोई टीचर के प्रति, तो बोला नहीं नहीं ये बहुत अच्छे है, वो बहुत अच्छे है, क्योंकि हमारा द्वेष हमारा अभाव उनके प्रति वो हमारे सामने वो बैर खड़ा करता है, इसीलिए उसको सुधार लेना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए। हमें सुखी होना है, हमें मुक्त होना है, तो ये रिवर्सल करना सीख लेना है। जय सच्चिदान, जय सच्चिदान, ओके जय सच्चिदान, सबको मालूम है। जय सच्चिदान।